कैप्टन रेखा जी हैं, ओम जी प्रोड्यूसर हैं और आपके रिकॉर्डिस्ट ने बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड किया, क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में, कितने उत्साहित इस गाने को लेकर? देखिए मैं बताऊं, क्योंकि एक तो टाइटल इतना प्यारा है, दिल की धड़कन, और ओम साईंराम मतलब जो प्रोडक्शन हाउस है हमारा, जो प्रोडक्शन है इनका संजय जी का, और बहुत ही प्यारे इंसान हैं। इन्होंने जब मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि भाई दिलीप भाई आपको मेरी फिल्म, मेरे साथ फिल्म करनी है, तो मैंने कहा ज़रूर करेंगे सर। तो बात आई कि कहानी क्या है, तो कहानी जो आजकल अमूमन चलती रहती है, मगर इन्होंने जो कहानी चुनी है बहुत ही प्यारी और थोड़ी सी लिंक से आजकल जो चल रहा है माहौल, उससे थोड़ी हटके है कहानी। दो लड़के लड़कियों की प्रेम कहानी है, तो पैसे तो बहुत सी प्रेम कहानी आई है, मगर ये थोड़ी इसलिए अलग हटके है, जो बाकी बातें तो आपको ये बताएंगे, क्योंकि मैं तो म्यूज़िक के लिए बताऊँगा, क्योंकि इसमें आपको मेरे दिलीप सेन का और समीर सेन की जो ओरिजिनल स्टाइल है हमारी, वो इस फिल्म में आपको देखने की मिलेगी। क्योंकि देखिए दिल टाइटल अपने आप में पहले भी हिट रहा है और धड़कन भी काफ़ी हिट रहा है, दोनों फिल्मों का म्यूज़िक बहुत हिट था। उसी तरीके से हमारी ये दिल लगी या हमारी आईना या अफलातून सलाके, इन पिक्चरों का भी म्यूज़िक हिट रहा है इतिहास के साथ में। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस फिल्म का भी म्यूज़िक श्योर शॉट है, जिसमें मेरे साथ में रेखा राव जी हमारी बिटिया, वैसे तो ये फोक स्टार है, मतलब राजस्थान की तो बहुत ही कोकिला है ये, राजस्थान की तो सुपरस्टार है वैसे, मगर उन्होंने हिंदी में भी काफ़ी झंडे गाड़ रखे हैं, मगर मैंने इस बार इनको इनके लिंक से एक हटके गाना इनको गवाया है, जो कि वैसे तो ये फोक की महारानी है, वैसे नॉर्मल भी गाने इन्होंने गाए, भजन भी बहुत गाए हैं, रविंद्र जैन जी की खास शागिर्दों में से एक शागिर्द हैं, और जिनको रविंद्र जैन जी का आशीर्वाद मिल जाए दादू का, तो वैसे ही वो सुरीला कलाकार होता है। बच्ची बहुत भाग्यशाली है कि उनकी शागिर्दगी में रही, तो इनके साथ काम करके काफ़ी हमने गाने किए, मगर ये फिल्म के गाने करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और बिटिया ने जो दोनों मूड गाए बहुत ही हटके गाए हैं। और राकेश जी के तो लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इनका करियर जो है रविंद्र जैन जी से, आशा भोसले जी से, अनूप जलोटा जी से, पंकज उदास से, अनुराधा जी से, कुमार सानू वगैरह वगैरह, अभिजीत जितने भी सिंगर हैं सभी के साथ इन्होंने काम किया। लास्ट में जब ये मेरे पास आ गए तो यहाँ मेरे साथ में काम कर रहे हैं, तो मुझे इनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी सक्सेस के साथ में इनके साथ साथ रिकॉर्डिंग का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। रेखा जी आपसे मैं चाहूँगा कि किस तरह के गाना है, क्या आप बोले, और दिलीप जी का संगीत है, क्या कहना चाहेंगे, साथ ही अपने निर्माता के बारे में? जी जी जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ चाचा की, मैं इनको प्यार से चाचा बोलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बचपन से मैं आती रही हूँ इनके पास, तो इनके संगीत निर्देशन में बहुत अच्छे अच्छे गीत मुझे गाने को मिले हैं, और आज जो गीत मुझे गवाया है चाचा ने, एक तो सीड्यूसिंग टाइप सॉन्ग है, रोमांटिक, जिसमें हीरो हीरोइन का रोमांस आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही जो दूसरा गीत है अखियां लड़ाई ले, तो वो कुछ आइटम सॉन्ग टाइप गीत है, और बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन दिलीप सेन जी ने, आदरणीय चाचा ने की है, और मैं साथ ही शुक्रगुजार हूँ संजय जी की, जिन्होंने ये फिल्म बनाने का आज जो मुहूर्त किया है, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी साईं ओम साईं फिल्म्स प्रोडक्शन को। तो ये फिल्म की शुरुआत आज हम बहुत खूबसूरत मौके पर, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और माता रानी का आशीर्वाद रहा, माता रानी का आशीर्वाद, ये फिल्म बहुत लोगों को पसंद आएगी और इसका संगीत भी आपको सबको बहुत पसंद आएगा। सर पहले तो ये पहले नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। दूसरी बात है, क्योंकि मेरा जो नियम है, क्योंकि पुराने लोगों को कभी ना भूलो, जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करो और उन्हीं के आदर से चलो, तो मेरे दिलीप दादा से बात हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि इनके अंदर वो चीज़ है, ये आदमी को चाहे छोटा हो चाहे गरीब हो चाहे बचा हो, लेकिन उसको उद्धार करते हैं, इसलिए मैं इनके चरणों में आ गया हूँ। और ये फिल्म बनना है, कैसे बनना वो इनके लिए मालूम, कैसे बनाना है। सर आपसे चाहूँगा कि काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं सर के साथ, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आपको मतलब अनुभव हुआ अभी तक का, और काफ़ी नामी ग्रामी हस्ती हैं दिलीप सर, तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहने का ये मतलब है कि चाचा का ये रहा कि जितनी जिसके भी काम जिसके लिए भी करते हैं, बड़ा है छोटा, जैसा अभी संजय ने कहा कि जो है कि सबका उद्धार करते हैं, तो इसमें सच्चाई है कि चाचा के सामने गाना बड़ा या बैनर बड़ा या कोई वर्क बड़ा नहीं, इनका जो करने का, जो काम करने का जो स्टाइल है ना, वो सबके साथ एक जैसा रहता है। सिंगर माइक पे खड़ा रहे, कोई भी काम हो या ट्रैक या कोई भी चीज़ कंपोजिशन, सब दिल से और पूरे मिजाज से काम करते हैं। ऐसा कोई इंडस्ट्री का सिंगर नहीं जिनको इन्होंने नहीं गवाया होगा, लता जी नहीं, इस मामले में बहुत प्रूफ, तो चाचा ने ये सब लगभग सारे ही सिंगर्स को आप गाने गवा चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग भी भाग्यशाली हैं कि आपके संगीत निर्देशन में हमको भी काम करने का मौका मिल रहा है। तो म्यूजिक लॉन्च आपका फिल्म कब से शुरू होगी, कब शूटिंग होगी, कब? ये हमारे गाना पूरा हो जाएगा, उसके बाद में बस साईं बाबा कृपा है, बहुत जल्दी चालू काम हो जाएगा।
अब ये यहाँ कट करेंगे और उन दो को आने दो। रवि जी लुक सेंटर। नमस्कार सभी प्रेस वालों को मेरा दिल से नमस्कार। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको सुनने वालों को। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि सर के साथ मैं काम कर रहा हूँ। संजय कुमार जी का आशीर्वाद है। प्रोडक्शन हाउस है, फिल्म का नाम है दिल की धड़कन। और आज के दौर में जो संगीत सुनाई दे रहा है हम लोगों को, जो उसमें अभी ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में कुछ म्यूज़िक है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि जैसे 90s का जो दौर था और उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, म्यूज़िक पूरा उसका जो दर्जा था उसका पूरा ख़त्म हो गया। और उस वैक्यूम में आज मैं सर के साथ इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि वो जो दौर था ऐसा लग रहा है कि वो दौर वापस आ रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ और इस फिल्म में बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए सर ने। वो जो 90s का सुरीला जो हमारा ओरिजिनल दौर था उसी दौर का फील है गानों में। और उसके साथ था साथ साथ आज के दौर का जो मॉडर्न म्यूजिक है उसका अरेंजमेंट उसका बहुत काफ़ी अच्छा संयोजन करके ये सब गाने बनाए हैं सर ने। मैं बहुत खुश हूँ और ऐसे ही आशीर्वाद सर का मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और रवि जी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रविंद्र जी को मेरे पास लेके आए हमारे सूर्य सिन्हा साहब हैं जी सर। विनस्टेक एक परिवार है हमारा, बहुत ही प्यारा परिवार, जिसकी मैं उनका तो इसलिए उनका आभारी हूँ कि भाई मुझे दोबारा इंडस्ट्री में खड़े करने वाला विनस्टेक परिवार जी 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 सूर्य सिन्हा जी ने। जब मैं उनके गाने कर रहा था तो उन्होंने कहा कि एक नया लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, दिलीप भाई आप उससे सुनिए। तो उस वक्त मेरे पास काफ़ी फरहान साबरी जी हैं और भी कई लोग हैं जो करते हैं। तो मैं बोला यार कहाँ है लड़के के पीछे, मैं बोला एक बार आप सुन लो। तो जब रवि जी मेरे पास आए तो मैंने उनको सुना, सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार इस बच्चे में कुछ बात है। क्योंकि देखिए जितने भी ये लड़के आए थे, मतलब मैं जैसे कि लड़के इसलिए कहता हूँ क्योंकि कुमार सानू जी हुए या अभिजीत जी हुए या जो किशोर कुमार टाइप गाते हैं, विनोद हुआ या बाबला जी हुए या अपना बाबुल सुप्रियो, ये सभी लोग किशोरदा को कॉपी करके गाते थे, मगर इनके बाद में अपना एक स्टाइल हो गया। तो रवि साहब का भी एक अपना स्टाइल है और इनके स्टाइल को मैं कहूँगा मुझसे पहले राजेश रोशन जी के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा शो किए, कई शो किए जी सर। तो एक्चुअली सूर्य सिन्हा जी की देन है और उन्होंने जब इनको मेरे को दिया तो जब से हमारे एक अच्छा कंटिन्यूटी बनी और हम लोगों ने काफ़ी गाने तो हमारे परिवार के लिए विनस्टेक परिवार के लिए किए, मगर अभी इस फिल्म में दिल की धड़कन में मैंने इनको दो गाने गवाए हैं और दोनों अपने आप में एक हटके म्यूजिक है। मुझे लगता है कि 2021 में मैं ये जो लड़के मेरे साथ काम कर रहे हैं ये अपना एक मुकाम तो है इन लोगों का, मगर और अच्छा मुकाम पाएंगे इन लोग। उसी तरीके से फरहान साहब तो वैसे हिट आए और ये नसीब वाले इसलिए हैं कि ये तीसरी जनरेशन और फोर्थ जनरेशन दोनों के साथ काम कर रहे हैं, यानी मेरे पोते के साथ भी ये काम कर रहे हैं और उसके दादा के साथ यानी दिलीप सेन के साथ भी काम कर रहे हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है हम लोगों का, मतलब ओल्ड एंड गोल्ड क्या कहेंगे आप। हाँ फरहान साहब पूछिए। हेलो गाइज, और सबसे पहले नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं दिल से अंकल को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे वो उनकी हर मूवी का जो पूरी जो रहता है उसमें मुझे चांस देते हैं गाने के लिए। नहीं, 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 सर आप लाइव हो सर। सर को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि हम जो कोशिश कर रहे हैं इसमें कामयाब हो जाएं। और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ इसका म्यूजिक लाजवाब है, कमाल है एंड माइंड ब्लोइंग है। और इंशाल्लाह आपको बहुत एक पार्टी नंबर भी मिलने वाला है, रोमांटिक नंबर भी मिलने वाला है, हर वैरायटीज है इस पूरे एल्बम में। और इसका सारा क्रेडिट जाता है अंकल को। और फिर से मैं ये बोलूँगा कि बस आप सबकी दुआएं चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए और सपोर्ट चाहिए कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो कामयाब हो। चलो